नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्वाल एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आरपीएससी की ओर से बहुत बड़ी अपडेट है। आज की ही डेट का 13 मार्च 2023 का ये प्रेस नोट है, 13 मार्च 2023 का ये प्रेस नोट है। इनमें इन्होंने दिया है कि आप जो शारीरिक शिक्षा अध्यापक हैं, अगर मैं बात करूँ शारीरिक शिक्षा अध्यापक मतलब पीटीआई की बात करूँ, तो जो वरिष्ठ अध्यापक, जो वरिष्ठ वाले हैं, सीनियर वाले पीटीआई हैं, उनकी जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम 30 अप्रैल 2023 को कंडक्ट होगा। 30 अप्रैल 2023 को वो एग्ज़ाम आपकी होने वाली। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं कि ये जो एग्ज़ाम है उसके जो अगर किसी ने फॉर्म भरते समय अगर कुछ गलती से कुछ चीज़ में अगर उसके नाम में कुछ चीज़ों में अगर उन्होंने गलत चीज़ डाल दी है तो उसकी संशोधन की तिथि आ चुकी है। हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी डेट है जब से आपके एग्ज़ाम फॉर्म में क्या होंगे, संशोधन होंगे। तो दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसमें 16 मार्च 2023 से 25 मार्च 2023 तक अभ्यर्थी का नाम, एक तो आपका नाम में अगर कुछ गलत किया है आपने वो चेंज हो सकता है, इसके अलावा फोटो और इसके अलावा पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर प्रदान करता है। मतलब इसमें यह है कि आप अपना नाम, फोटो, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग, इसके अलावा आप जो कैटेगरी बनते हैं, इसके अलावा जो भी आपकी विशेष श्रेणी या जो भी चीज़ें हैं, अगर उसमें आपने फॉर्म भरते समय अगर कुछ गलत किया है तो आप इन इन चीज़ों को छोड़ के बाकी उन चीज़ों में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि ये संशोधन करने के लिए क्या कोई हमें ऑनलाइन चालान भी करना होगा क्या? तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थी ई मित्र या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से कितना 500 रुपये का आपको चालान पे करना होगा, उसके बाद में आपका क्या होगा, संशोधन होगा। तो आपका अगर नाम, फोटो और इसके अलावा पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग इसमें है तो आपका करेक्शन नहीं होगा। ये करेक्शन आपके एग्जाम के बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस समय इसके बारे में सोचा जाता है। अभी आपके इसके अलावा किसी चीज में अगर संशोधन है तो आप उस संशोधन को कितना 500 रुपये का चालान पे करके आप संशोधन करवा सकते दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, इसमें दिया है उक्त परीक्षा में केवल ऑनलाइन संशोधन के विकल्प का ही प्रयोग करें, इसमें ऑफलाइन किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। आप SSO IDC जहाँ से आप अपना फॉर्म भरते हैं वहाँ पे जाके 500 रुपये का चालान करके आप एडिट वाला ऑप्शन पे जाके आप अपना क्या कर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा उपरोक्त ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थी के हिताशिकार सुविधा मात्र है, संशोधन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता के शर्तों के अनुरूप ही मान्य होंगे, विज्ञापन के शर्तें पूर्वानुसार ही रहेगी। उपरोक्त संशोधन के संबंध में किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर आप ये ईमेल ID है, इसके अलावा ये कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये थी दोस्तों आपकी जो सीनियर PTI की वैकेंसी थी जिसका 30 मार्च 2023 को एग्जाम होगा, उसके बारे में ये नोटिफिकेशन था कि आप 16 मार्च से लेके 25 मार्च तक क्या कर सकते हैं, आप इसमें संशोधन करवा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।